वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार एसडीओ नीरज कुमार ने सदर अस्पताल कटिहार का किया औचक निरीक्षण। ताकि काम चले लेकिन वो भी नहीं सहमति से स्वीकृति मतलब क्या क्या कमियां पाई गई। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार आज सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और इस वार्डों की साफ़ सफाई, मरीजों को दिए जाने वाला खाना, बिस्तर की क्या स्थिति है, खाना के क्या क्वालिटी है, दवाई की क्या उपलब्धता थी, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है कि कितने डॉक्टर उपस्थित थे, इन सभी चीज़ों की मेरे द्वारा जाँच की गई और कुछ डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए हैं, उनका रिपोर्ट किया जा रहा है। साफ सफाई की स्थिति पूर्व की तुलना में कुछ सुधरी है लेकिन और भी सुधार की आवश्यकता है। दूध की क्वालिटी में भी सुधार की आवश्यकता है। मरीजों से मेरे द्वारा जो पूछताछ की गई भर्ती मरीजों से, उन्होंने भी संतोषजनक जवाब दिया है। एक्सरे रूम की अच्छी स्थिति थी, अल्ट्रासाउंड की भी स्थिति अच्छी थी। सारे मरीज जो मेरे द्वारा उनसे पूछा गया, वो सभी लोग बताया कि नहीं, कमोबेश स्थिति अच्छी है, लेकिन और भी कुछ चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, जो हम लोग अपने सीनियर ऑफिसर्स को उनको रिपोर्ट करेंगे। सर, पोस्टमार्टम के पास जो है सर, मेडिकल वेस्ट कचरे को जलाया जाता है। ये पूर्व में भी मेरे पास संज्ञान में आया था, पूर्व में भी जांच की गई थी इसकी और आवश्यक निर्देश भी दिए थे। यहाँ पर कुछ समस्या है, क्योंकि सदर हॉस्पिटल में जो एरिया है इनका काफ़ी कम है और उसी में सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नया हॉस्पिटल के लिए जगह चिन्हित भी, मतलब ज़मीन चिन्हित किया जा रहा है इसके लिए, तो धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। सर, प्रसव वार्ड में कायाकल्प हो रहा है, क्या प्रसव वार्ड में तोड़फोड़ हो रही है, क्या उसमें नए नए सामान लगे? अभी तो मेरे द्वारा नहीं जाया गया है प्रसव वार्ड, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वार्डन का सर कुछ मामला था, वार्डन का? हाँ, वो डॉक्टर आर.एन. पंडित जो प्रभारी उपाधीक्षक हैं, उनके द्वारा लिखित कंप्लेन जिला पदाधिकारी महोदया को किया गया था कि जो शैल कुमारी हैं मुख्य वार्डन, उनके द्वारा उनको हटाने के लिए उन्होंने अनुशंसा किया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसमें इसी सिलसिले में भी मैंने जांच किया है इनका, और जो उन पर जो आरोप लगाए गए थे उसका विस्तृत जांच की गई है। मैं सारी रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सौंपूंगा इस संबंध में।